हेलो फ्रेंड्स डेली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन का इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको 45 फाइव परसेंट कटअप है तो आप तो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आनी आनी है 50 परसेंट अगर है आपका टोटल तो फिर आप सेफ़ जोन में कंफर्ट जोन में कहे जा सकते हो ठीक है तो आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब आप, आपने खुद देखा होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशनस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस डिसीजन मेकिंग पावर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बेसिस पर ही इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन मिलेगा 150 मार्क्स का होगा 150, 150, 150, 150 जो 450 मार्क्स का टोटल था तो अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आप तो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे अपना तो अपनी आप डिटेल्स देखो अपनी डिटेल्स का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टेन प्लस टू के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे क्या क्या आपने स्टडी करी थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्पेसिफ़िकली क्योंकि ये आपका लेटेस्ट है उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं हॉबी दो तीन से ज़्यादा मत लिखना अपनी ठीक है और हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब बताने में ठीक लगे आप घर की सफ़ाई करना या फिर टहलना ये कोई हॉबी नहीं होती है ठीक है हॉबी का मतलब ये होता है जिससे आपको प्लेजर मिले टहलने से कभी प्लेजर थोड़ी मिलता है घर की सफाई करने से कौन सा प्लेजर मिलता है भाई तो ऐसी भी हॉबी मत लिखना कि अपने घर वालों से बातचीत करना ये कोई हॉबी नहीं होती है तो अगर आप ऐसी हॉबी लिखोगे ना तो फिर आपका जो है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हॉबी का मतलब होता है एक बुक रीडिंग बुक रीडिंग की स्पेसिफिक ये नहीं है बुक रीडिंग बुक रीडिंग तो बहुत हजारों तरीके की बुक, बुक्स होती हैं कौन सी बुक्स पढ़ते हो भाई सब्जेक्ट बताओ स्पेसिफिकली बताओ तो ये आपकी हॉबी होती है दो से ज़्यादा तीन से ज़्यादा मत लिखना तीन मैक्सिमम है बिल्कुल कॉलम छोड़ना भी मत कुछ ना कुछ तो अभी आदमी की होती है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो डोपामाइन सेराटोनिन हार्मोन रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा प्लेजर प्राप्त करने के लिए तो आप इतने मत बन जाना कि कोई हॉबी ही नहीं है इतना बड़ा तो कोई ऐसा होता ही नहीं जो अभी ना हो तो ये आप ध्यान रखो उसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस अगर नहीं है कोई बात नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी कौन सी है आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है ठीक है और सब्जेक्ट subject, सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको पक्का होनी चाहिए पी जी के यू जी के टेन प्लस टू के भी कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे ठीक है उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है नोटिफिकेशन में आपको हिंदी और संस्कृत या लोकल लैंग्वेज आती है वर्नेकुलर लैंग्वेज इंडिया की तो इंग्लिश तो आपको आती है अंग्रेज तो सब हम हैं पैदा ही अंग्रेज से हुए अभी सीढ़ी पढ़ के उसके अलावा फिर एक हिंदी या फिर संस्कृत इसमें से आपको आप देख लेना नॉर्थ इंडिया के तो आप हिंदी संस्कृत लिखोगे साउथ इंडिया के थोड़ी तो लिखोगे हिंदी संस्कृत तो ये आप ध्यान रखना तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करना जो है अगर आपने हिंदी पढ़ी है ट्वेल्थ में या टेंथ में तो पढ़ी होगी ट्वेल्थ की बात हो रही है ट्वेल्थ में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए मतलब यू कैन राइट यू कैन रीड यू कैन अंडरस्टैंड द नेकुलर लैंग्वेज एक आपको जो है वो हिंदी लैंग्वेज के अलावा जो है वो मतलब मैं, मैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं जो शेड्यूल में उसमें एर्थ शेड्यूल में जो लैंग्वेज दे रखी है उसमें से आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए ठीक है इंग्लिश तो वो है ही है उसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे क्या होगा कैसे होगा तो उस पर हम डिस्कस करते रहेंगे एक केस स्टडी भी ले लेंगे ले फिर कि ये केस स्टडी एक मतलब इंटरव्यू की ले लेंगे ले। तो व्हाट्सअप नंबर आपको मेरा दिख रहा है तो उस पर आप मुझे चैट करो पिंक करो तो एक ग्रुप बनाया है हमने और उसमें फिर हम पूरा डिस्कस करते रहेंगे और बाकी जो है केस uh, स्टडीज़ और इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू वो सब हमारे चलते रहेंगे सो कीप इन टच और अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखो क्योंकि आपको पता है कि आपका स्कोर कितना है वो आप अंदाज़ा लगा लो फोर्टी फाइव परसेंट प्लस है या नहीं है उसके अलावा बाद में जो स्कोर आएगा वो पता चली जाएगा और थर्टी एट लीस्ट थर्टी एक सीट पर कॉल करे जाएंगे ये आप ध्यान रखना एट लीस्ट तो बहुत चांसेस हैं आपके सेलेक्शन होने के क्योंकि उसमें लिखा हुआ है थर्टी टाइम्स तक तो वो कॉल करेंगे तो ये तो आप मान के चलो कि थर्टी टाइम्स तक कॉल करेंगे तो और वैसे भी सीटें चार हैं तो तीस यानी तीस बच्चे बुलाए जाएंगे, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है तो प्रिपरेशन करते रहिए और जुड़े रहिए और थैंक यू